अरे उधर जाके बैठ। हम कभी पॉपुलर हो जाएंगे ऐसा कभी मन में ख्याल आया था कि लोग हम इतना जानेंगे? अपने रात को दारू पिया था ऐसे? हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रानू मंडल और उनके एटीट्यूड का पुराना नाता है। बस एक छोटी सी गलती जो उनका करियर रेलवे स्टेशन से उठ के सातवें आसमान को छू रहा था, वो उन्हें फिर से भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। आज उन्हीं की एक छोटी सी बेइज्जती ने इस बिहार के गरीब बंदे की पूरी किस्मत बदल के रख दी है। चौंक गए जी? ना हम सठियाए हैं और ना हम बौड़ाए हैं। अगर यकीन नहीं होता तो YouTube पे जाके आप अक्षय आसियाना ब्लॉग सर्च करके देखिए, जहाँ एक छोटी सी बेइज्जती ने रानू मंडल का पूरा करियर चौपट कर दिया, वहीं एक बेइज्जती ने इस बिहार के बंदे का पूरा YouTube पे एक करियर बना दिया। इस बंदे का इसी बेइज्जती वाले वीडियो पे लगभग 1 मिलियन व्यू कम्प्लीट होने वाला है और लगभग 15,000 सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा कम्प्लीट करके अब ये एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बन चुके हैं और ये उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट। हेलो, पसीना का बदबू आता है। हालांकि जब मैं रानू मंडल से मिलने गया था तो मैंने उनसे ये वाक्य पूछा था, तो उन्होंने ये अपना क्लेरिफिकेशन देते हुए कहा कि मेरा इंटेंशन उनका बेइज्जती करना नहीं था, लेकिन शायद वो दूर से आए थे, जनरल बोगी में सो के आए थे, इसलिए उनसे पसीने का बदबू आ रहा था, इसलिए मैंने ऐसा बोला था। आ रहा है, लेकिन जब आप रेलवे स्टेशन पे थी तो उस टाइम आपको बदबू नहीं आता था क्या? आप रेलवे स्टेशन पे हर दिन स्नान करती थी तो उन्होंने क्या क्या कुछ ये उनके शरीर से बदबू आ रहा था, क्योंकि वो लोग चाहे दूर से आए भाग के किस तरह का बदबू, इंसान बाहर जाता है तो वो तो जीवाणु होता है ना, फैल जाता है किसी से। कोई अच्छे है, अच्छा कपड़ा पहन के या साफ सफाई है, फिर भी कोई ऐसा गया कि उसके बदन से उसका बदबू हो गया, तो इसी तरह इसलिए तो बोलते हैं ना, हाथ पैर जहाँ भी जाओ हाथ मुँह ठीक तरीके से अपना हाथ मुँह धोने का, फिर अंदर घर पे आने का। एक दिन की बात, एक समय की बात, लेकिन बहुत सारे लोग आके तो बहुत गंदा हो जाएगा। अपना देखो, अपना जो अगर फैमिली रहेगा, अपना परिवार, उनका जूता अगर है तो मैं सोचती हूँ उसी तरह के, लेकिन नहीं, इंसान उस तरह का नहीं है कि अपना फैमिली है या तो मेरा परिवार। अभी उनका जूता तो बाहर रखने का जरूरत है, हाँ, वो हाथ मुँह धो के आने के बाद उसका चप्पल इधर बारंदा पे रख सकते हैं, लेकिन इसके मतलब नहीं कि परिवार बोल के कि वो भी बाहर का गंदा लेके अंदर घुसेगा। जी जी, मतलब रानू दी के पास कोई साफ करने वाला नहीं है, जो कुछ करना है झाड़ू लेके साफ करने के लिए, खाना बनाने के लिए, उनको सारा कुछ खुद करना पड़ता है। परेशानी की बात कर रहे हैं, वो कोई आके वो लोग परेशान करते, वो कुछ परेशान अलग होता है, वो लोगों को मैं झाड़ू मारती हूँ निकाल देती हूँ, उसके अलग बात आदत के ऊपर से। जी जी हाँ, हर किसी को, लेकिन जिसके जैसे आदत, उस आदत के ऊपर मैं गुस्सा हो जाती है तभी उसे निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा सच बोलना चाहिए। ये पूरा वाक्य जानने के बाद आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करिएगा कि आप इस बारे में रानू मंडल को क्या कहना चाहेंगे।